हेलो फ्रेंड, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब भी आप गली में चले तो हॉर्न ज़रूर दबा दें, क्योंकि बच्चा वगैरह शाम के टाइम में खेलता रहता है। और ये राइट लेंगे, देख सकते हैं, और मिरर को ज़रूर ध्यान दें, जैसा कि देख सकते हैं, है ना। इस तरीके से ध्यान देना आपका फ़र्ज होता है, क्योंकि और हॉर्न पहले से ही दे दें, क्योंकि वन वे गली है और आगे जो है देख सकते हैं कि कितना दिक्कत होता है जब गली वगैरह में आप घुसते हैं ना, तो एक को बैक जाना होता है। ये तो ठीक है, टोटो था तो कोई दिक्कत नहीं है, आप राइट का जजमेंट लेकर के निकाल लेंगे, लेकिन अगर दूसरी फोर व्हीलर होती तो उनको साथ बैक करना पड़ता, इसलिए आप पहले से हॉर्न दे दें, है ना। ये सब बात पे ध्यान, जैसे टर्निंग है तो आगे दिखने हॉर्न ज़रूर दे दें। ये है और बात है, जैसे फिर टर्निंग है तो हॉर्न और इंडिकेटर ज़रूर जलाएं जिधर आपको मुड़ना हो, ऐसा कि ये सब जगह पे हॉर्न का जरूर देख सकते हैं कि सामने थोड़ा बच्चा, भी गर्मी का टाइम है तो निकलता है बाहर गेट के बाहर, देख सकते हैं क्यूट बच्चा, और लोग बैठे रहते हैं अपने गेट पे भी गली वगैरह में, है ना। तो उस कारण से आपको ज़रूर से ज़रूर हॉर्न दबाना चाहिए, इन बातों पे ज़्यादा गौर करके। और इंडिकेटर तो आपका बिल्कुल, है ना, यूज़ करना चाहिए हॉर्न का गली वगैरह में, और स्लो चलना चाहिए। आपका स्पीड 0 से 10 के बीच हो तो काफ़ी सुंदर रहता है, और जैसे आए तो पहले न्यूट्रल करें, है ना, जैसे कि पहले न्यूट्रल करें, न्यूट्रल हमने कर दिया, हैंड ब्रेक घिस दीजिए और 1 मिनट कूल रहने दीजिए इंजन को, जैसे देख सकते हैं हैंड ब्रेक, उसके बाद आप लाइट को ऑफ कर दें, फिर आपको इग्निशन को ऑफ कर देना है, कुछ सेकेंड, मिनी सेकेंड रुकने के बाद ये प्रोसेस करना चाहिए आपको। ओके बाय।